गाइस कैसे भी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आज बैंक साथी जो एप्लीकेशन है उससे अर्निंग जनरेट करना सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर रियली में अर्निंग जनरेट हो रही है, फिर लोग फेक वीडियो बना के दे रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, समझ में आ जाएगा। बैंक साथी एप्लीकेशन बहुत जेनुइन एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई फेक आपको यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं होगी, जो भी होगी रियल अर्निंग होगी, आप उसे बैंक में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रोसेस होता है सारा कुछ बताएंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, कंप्लीट देखना, तभी जाके जान पाओगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर अर्निंग रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और रियल एप्लीकेशन का, ठीक है ना। तो आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, जाके सिंपली आपको विजिट करना है, लिंक पे क्लिक करना है, आप जाके आप रिडायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर करेगा और आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे जो है चूज लैंग्वेज, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको पसंद आए, यहाँ पे चूज लैंग्वेज करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद किसी इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक देख सकते हो गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे गेस्ट स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट होती है, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट होगा और यहाँ पे रेफरल कोड डालना बहुत जरूरी है। रेफरल कोड जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप रेफरल कोड डाल सकते हो और डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है, ठीक है ना। तो रेफरल कोड मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे अपना नाम और फील्ड कोड, ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, ये सब सारा कुछ डाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे सारा कुछ डालने के बाद क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे एक आपका जो है आईडी कार्ड बन चुका है, ठीक है ना। सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे आप इसे सेव भी कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन में सेव कर सकते हो। और यहाँ पे सेव करने के बाद स्टार्ट अर्निंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करके स्टार्ट अर्निंग कर सकते हो। स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक कर देते हैं। जैसे स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे जो है सारा कुछ सेटअप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटअप एम पिन, ठीक है ना। तो सेटअप एम पिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेटअप एम पिन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक 4 डिजिट का आपको या 6 डिजिट का एम पिन बना लेना है, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे एक एम पिन सेट कर लेता हूँ, फर्स्ट टाइम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे ओटीपी में यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, इट्स मी पे क्लिक करना है, ठीक है। इट्स मी पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे जो है आपका प्रोसेस जो है पूरा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है मैं आपको बताता हूँ भाई। यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है पिन जनरेट, उसके बाद यहाँ पे आपको करंट एम पिन, तो भाई करंट एम पिन जो आपने भी बनाया ना वही डाल दो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 963190 और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, न्यू एम पिन। तो भाई न्यू एम पिन क्यों बनाना है, मैंने तो बना लिया, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे जो है करंट एम पिन न्यू पिन सब सारा कुछ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना भाई, यहाँ से पैसे कैसे अर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे अर्न करने के लिए सबसे पहले देखो भाई, सारा कुछ प्रोफाइल आपका सेटअप हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है। अभी बैलेंस यहाँ पे 0-0 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक प्लस का जो आइकन है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिटेल्स क्या क्या मिल रहा है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड किसी बंदे के पास लिंक शेयर करते हो और आपके लिंक से अगर वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको 2050 रुपये अर्निंग होने वाला है। उसके बाद एक बैंक और है, AU बैंक क्रेडिट कार्ड, इसका जो अगर आप लिंक शेयर करते हो और आपके लिंक से कोई यहाँ पे वेरीफाई करता है तो यहाँ से आपको 2200 अर्निंग होने वाला है। उसके बाद येस बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड कोई अप्लाई करता है आपके लिंक से, 1700 अर्निंग होने वाली है, ठीक है ना। उसके बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई करता है आपको 350 रुपये टोटल अर्निंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन देख सकते हो ऊपर में, जैसे क्रेडिट कार्ड के आ रहे हैं, उसके बैंक का ऑप्शन आ रहा है, तो बैंक अकाउंट यहाँ से ओपन करवा सकते हो। जैसे बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ जैसे कि कंपनी का कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का दिख रहा है, आप लिंक शेयर करोगे 315 रुपया, जो पीटर का कराती है तो यहाँ पे 250 रुपया, FI मनी का करवाते हैं 450 रुपया। उसके बाद यहाँ पे वही AU बैंक का जो है करवाते हो तो यहाँ पे 325 रुपया, एक्सेस का करवाते 600 दे रही है।
उसके बाद यस बैंक का करवा रहे हो तो 300 दे रहा है, तो यहाँ पे रुपए जैन एक और है यहाँ पे, इसका करवाते हो तो 300 रुपया दे रहा है। उसके बाद डिमेंट अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पे डिमेंट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ICIC का डिमेंट अकाउंट 350 रुपया दे रहा है, पेटीएम का करवाते हो तो 400 रुपया दे रहा है, FT मनी का करवाते हो तो 200 रुपया दे रहा है, एम स्टॉक डिमेंट अकाउंट का करवाते हो तो 350 रुपया दे रही है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि किसका क्या आ रहा है, तो यहाँ पे बजाज का अगर EMI कार्ड यहाँ पे किसी को अपने लिंक से करवाते हो तो यहाँ पे 200 रुपया मिले जाएगा। उसके बाद फ्री रिचार्ज पे लेटर का करवाते हो 350, मनी टैप का करवाते हो तो 900 रुपये दे रही है। ITR टैक्स यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अगर कोई टैक्स फिल करता है तो यहाँ पे 150 रुपया आपको फॉर टैक्स फिल करने का मिलेगा, ठीक है ना। और उसके पर्सनल लोन पे क्लिक करते हो तो लोन यहाँ कौन कौन सी बैंक दे रही है, कौन कौन से यहाँ पे दे रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे लिस्ट है इन सब। अगर आप किसी बंदे के पास शेयर करते हो यहाँ से कोई अगर लोन की के लिए प्रोसेस करता है, लोन मिल जाता है तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब भाई बात करते हैं रेफरल पे, रेफरल पे यहाँ क्लिक करोगे तो आपके जो भी रेफरल यूजर है जो भी अर्निंग करेगी ना यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होते रहेगा लाइफ टाइम के लिए 10%, ठीक है ना। यहाँ पे 10% लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता रहेगा। और यहाँ पे रेफरल कोड देख सकते हो, मेरा ये रेफरल कोड आपको फिल कर देना है और जो भी माई रेफरल जो भी रहेगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेफरल से जो इनकम होगा सो देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेफरल इनकम है, यहाँ से रेफरल इनकम देखने को मिलेगा। और माय टीम पे जैसे क्लिक करोगे ना तो जो भी टोटल टीम है, लीडर है, सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है आप यहाँ से अपने लीडर से जो है ना ऐड कर सकते हो, ऐड नाउ कर सकते हो, डायरेक्ट लीडर को यहाँ पे ऐड नाउ पे क्लिक करके, और यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो। लीडर्स यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी है वो भी देख सकते हो। होम पे क्लिक करोगे यहाँ पे अपने नाम के बगल में क्लिक करते हो तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ से फिल कर सकते हो, पेमेंट सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, KYC डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, MPIN चेंज कर सकते हो, एजुकेशनल डिटेल्स डाल सकते हो, ठीक है ना। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो फिर से, यहाँ पे कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी चेक कर सकते हो, रेटिंग दे सकते हो कंपनी का, और अबाउट बैंक साथी के यहाँ विवरण भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और अपग्रेड नाउ पे क्लिक करके अपग्रेड अगर आपको कुछ करना है तो अपग्रेड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट सेटिंग का, तो चलो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करके कुछ जो है ना सारा कुछ बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऐड बैंक पे जैसे यहाँ क्लिक करोगे ना ऐड बैंक, तो ऐड बैंक पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्लीज़ वेरीफाई योर आधार नाउ गेट पे आउट। अगर आप आधार कार्ड जब तक आप वेरीफाई नहीं करते हो तब से यहाँ से पेमेंट नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे गो पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे जो है आपको पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको पूछ रहा है, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दोगे, आपकी आधार डिटेल्स यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद पैन कार्ड के नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ईजिली है यहाँ पे आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको आ गया, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ रहे आप लोगों को, और ये वीडियो आप लोग देखने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करोगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे और यहाँ से अच्छी खासी आप लोग अर्निंग करोगे। ये अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, एक लाइक तो बनता ही बनता है, आप लाइक भी दोगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।